हाय फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा कंप्यूटर में यह है परीक्षा मंथन, और इसका आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर 2। तो हमारा कंप्यूटर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या रेलवे हो, या एसएससी हो, या कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो, जैसे झारखंड में आपको जेएसएससी का एग्ज़ाम है, सचिवालय का एग्ज़ाम है, पुलिस का एग्ज़ाम है, या बिहार का कोई एग्ज़ाम हो, या उत्तर प्रदेश का कोई एग्ज़ाम हो, या राजस्थान का एग्ज़ाम हो, छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या बैंकिंग एग्ज़ाम हो कहीं भी, ठीक है, या टीचर का एग्ज़ाम हो, अगर आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है, अगर क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं, तो मार्केट में बहुत सारे किताब हैं। तो परीक्षा मंथन भी है, ल्यूसेंट भी है, अरिहंत भी है। कंटेंट लगभग सभी बुक का सेम होता है, ठीक है। आप लूसेंट ले लो, अरिहंत ले लो, परीक्षा मंथन ले लो, कोई से भी बुक ले लो, कंटेंट लगभग सेम होता है। फिर मैं परीक्षा मंथन को ही इसलिए उठाया क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज कंसेप्ट देने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। एक बतौर मैं आपको बता दूं कि जब ये किताब, इसमें 18 चैप्टर्स है, जब मैं कंप्यूटर का 18 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूंगा, तो फिर हमारा मैराथन सीरीज आएगा कंप्यूटर का। इसमें आपको मतलब कि जितना एसएससी में आज तक क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर रिलेटेड, सबका प्रैक्टिस एक वीडियो में। फिर एक और वीडियो आएगा जिसमें रेलवे में जितना कंप्यूटर पूछा है सबका प्रैक्टिस एक वीडियो में। फिर एक और वीडियो आएगा जिसमें पीसीएस में, ठीक है, स्टेट पीसीएस में जितना क्वेश्चन पूछा है वो। तो इससे आप कोई भी एग्जामिनेशन में जाओ, तो अगर 20 नंबर का कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है, तो आप बहुत अच्छा से 17-18 स्कोर कर सकते हो, और 20 में 20 भी स्कोर कर सकते हो। तो इस तरह से यह हमारा है चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास, ठीक है। एक बात और, ये जो बुक है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, हिंदी में मेनली है और इंग्लिश का टर्म लिखा हुआ है। तो आप बुक खरीद लो मेरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है, आप अच्छे से इसको समझ लो, फिर बुक को रीडिंग डालो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो मेरा जो पहला चैप्टर है, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास। तो पहला पॉइंट है मेरा एबेकस। अब एबेकस के बारे में जो आज तक जो बार बार रिपीट किया है क्वेश्चन, वो ये है कि सबसे पहला, ठीक है, गन्ना करने का मशीन कौन सा था, गन्ना मतलब कैलकुलेशंस करने का मशीन कौन सा था, तो एबेकस, ठीक है। तो एबेकस जो मेरा है वो फर्स्ट मशीन टू कैलकुलेट समथिंग। अगर दुनिया में कोई भी पहला मशीन था जिससे आप कैलकुलेट कर सकते थे, जोड़ सकते थे, घटा सकते थे, गुना कर सकते थे, भाग कर सकते थे, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, तो उसको एबेकस बोलते हैं, ठीक है। एबेकस कुछ, तो मेरा पहला पॉइंट है कि ये पहला दुनिया का, ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा है, पहला मशीन है जो गन्ना कर सकता था। दूसरा पॉइंट, अब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते थे, तो इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, इसमें 4 चीज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, तो यहां पर थ्रेड होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, थ्रेड, ये थ्रेड है मतलब धागा है, और ये बीड्स है, ठीक है, मतलब मोती इसमें होता है, और इस तरह का कुछ एबेकस दिखता है जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये है मेरा पहला टॉपिक, मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, घटना चक्र के अकॉर्डिंग। तो ये था मेरा पहला टॉपिक एबेकस। हमारा नेक्स्ट है पास्कलाइन, ठीक है। अब पास्कलाइन क्या होता है, तो पास्कलाइन क्या है कि ये भी एक मशीन था, एडिंग मशीन था, ठीक है, जिसको ब्लेज पास्कल ने बनाया था। नाम से ही क्लियर है, पास्कलाइन बनाया कौन, ब्लेज पास्कल, ठीक है। बस इसमें क्या था कि इसमें आप सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, मतलब सिर्फ जोड़ और घटाव आप कर सकते थे, ठीक है, इसीलिए इसको एडिंग मशीन भी कहा गया, ठीक है। तो एक और मेरा मशीन था पास्कलाइन। तो सबसे पहले हमने देखा एबेकस, फिर देखा पास्कलाइन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन।
तो ये दोनों इंजन, ये कंप्यूटर का नाम है, ठीक है, जो सबसे स्टार्टिंग में कंप्यूटर बन रहा था। अब देखो, अब ये बात है, ठीक है, ये लगभग 1920-22 का लगभग है, ये 1942 का लगभग का बात है, ठीक है, जिस समय कंप्यूटर बन रहा था, सॉरी 1900 नहीं 1800, ठीक है, ये 1822 के लगभग का बात है और 1842 के लगभग का ये बात है। गलती से 1900 में बोल दिया था, ठीक है। तो अब आप एक चीज गौर करो कि इस समय भारत में क्या सीन था। भारत में इस समय सीन क्या था कि यहाँ पर अंग्रेजों का गुलामी चल रहा था और यूएस वगैरह में क्या हो रहा था, अमेरिका में क्या हो रहा था कि वहां पर कंप्यूटर बनाया जा रहा था। तो चार्ल्स बेबेज जो है उन्होंने दो कंप्यूटर बनाया था, एक 1822 में जिसको बोलते हैं डिफरेंस इंजन, कंप्यूटर का नाम है, और 1842 में जिसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन, ठीक है, ये भी कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है अंतर दोनों में समझते हैं। सबसे पहले जो डिफरेंस इंजन है उसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था और एनालिटिकल इंजन को भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था, ठीक है। दूसरी बात, ये जो डिफरेंस इंजन है वो वेपर से चलता था। अब जैसे क्या है ना कि जैसे बाय द वे कि आज के डेट में आप कंप्यूटर चला रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी उस समय नहीं था, या था तो उतना ज्यादा यूज नहीं, इस तो इस सेंस में क्या है कि यहां पर जो है वो वेपर से, जैसे आप ट्रेन में भी देखोगे अब का ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, पुराना ट्रेन जो ट्रेन था वो वेपर से चलता था, वेपर मतलब भाप, ठीक है, वाष्प, जल वाष्प, तो ये वेपर से चलता था। डिफरेंस इंजन जो है वो वेपर से चलता था, वाष्प से चलता था, ठीक है, और इसमें सिर्फ एडिशन होता था, क्या होता था, ओनली एडिशन। एनालिटिकल इंजन जो है वो भी एक कंप्यूटर था, ये चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था, ठीक है, और यहां पर जो कैलकुलेशंस था ना उसको प्रोग्राम्ड किया गया था विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड। यहां पर पहली बार कैलकुलेशन को प्रोग्राम किया गया था, ठीक है। अब प्रोग्राम मतलब, प्रोग्राम का मतलब कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब वहां पर पंच कार्ड का हेल्प से, जिस तरह का कैलकुलेटर कैसा होता है कि वहां पर प्रोग्राम किया रहता है, 5+3 दबाओ ऑटोमेटिक 8 आ जाएगा, तो वहां पर प्रोग्राम किया रहता है, तो उसी तरह पंच कार्ड के हेल्प से यहां पर पहली बार प्रोग्राम कर दिया गया था कैलकुलेशंस को। यहां पर प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सभी कुछ होता था, जोड़ घटाव गुना भाग, ठीक है, और ये वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है। अब आपसे यहां तक से जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज। दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन था, तो एनालिटिकल इंजन। अब इसको आपके दिमाग में आया कि डिफरेंस इंजन को क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि इसका फीचर्स वैसा नहीं था जो एक प्रॉपर कंप्यूटर का रूप दे पाए, तो इसीलिए डिफरेंस इंजन को नहीं लिया गया और ये एनालिटिकल इंजन को लिया गया, क्योंकि पहली बार इसमें प्रोग्राम कर दिया गया था पंच कार्ड के हेल्प से, तो इसीलिए दुनिया का पहला कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन और दुनिया का पहला व्यक्ति जिसने कंप्यूटर बनाया तो चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अब आपको यहां पर पंच कार्ड में बार बार बोल रहा हूं, पंच कार्ड, तो पंच कार्ड होता क्या है, पंच कार्ड का और नाम है होलरिथ कार्ड और आईबीएम कार्ड, ठीक है। अब पंच कार्ड होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, देखो होता क्या है ना कि एक पेपर होता है, ठीक है, इसको पेपर कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, और पंच से इसमें क्या किया जाता है कि होल कर दिया जाता है, इस तरह से कुछ कुछ होल कर दिया जाता है। ये जो होल किया जाता है ये मशीन से भी किया जाता है और हाथ से भी किया जाता है। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप एग्जाम में ओएमआर शीट देखोगे तो जैसा ओएमआर शीट दिखता है पंच कार्ड भी कुछ वैसा ही दिखता था, ठीक है, और इस तरह से मशीन से या हाथ से होल कर दिया जाता था इसमें, ठीक है, और इसी होल में क्या होता था कि डाटा और इंस्ट्रक्शन को फिट कर दिया जाता था, इस होल्स में डाटा और इंस्ट्रक्शन को फिट कर दिया जाता था। तो जो एकदम इनिशियल प्रोग्रामर थे, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब जो बहुत पहले का जो शुरुआती दौर के जो प्रोग्राम लिखते थे, उन लोग प्रोग्राम लिखने के लिए पंच कार्ड का हेल्प करते लेते थे, ठीक है, पंच कार्ड का हेल्प से, क्योंकि उस समय बहुत एडवांस नहीं था कंप्यूटर। आज जैसे बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी है, C++ है, java.net, ASP.NET, बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उस समय इतना डेवलप नहीं था, तो उस समय जो प्रोग्राम लिखा जाता था वो पंच कार्ड के हेल्प से लिखा जाता था। और किस तरह से पंच कार्ड होता था, आज का जो OMR शीट है जैसा आप देख रहे हो उसी तरह का कुछ
पंच कार्ड होता था, जो प्रोग्रामर लोग प्रोग्राम लिखते थे, ठीक है। और ये जो पंच कार्ड है, इसमें क्या होता था कि हाथ से या मशीन से पंच कर करके होल कर दिया जाता था, और इसी होल में डाटा और इंस्ट्रक्शन को फिट कर दिया जाता था और प्रोग्राम लिखा जाता था। तो ये था मेरा नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, ठीक है। ये है क्या, ये दोनों कंप्यूटर का ही एक रूप है। इसमें क्या है कि चार्ल्स, दोनों को चार्ल्स बेबेज नहीं बनाया था, ये छोटा रूप था जो वेपर से चलता था, भाप से, और इसमें एडिशन होता था, और ये थोड़ा बड़ा रूप था जो प्लस माइनस गुना भाग सब होता था। दुनिया का पहला कंप्यूटर है, और यहाँ पर पहली बार प्रोग्राम किया गया था इस कंप्यूटर को पंच कार्ड की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है एडा अगस्टा। अब ये है कौन, तो लेडी जो एडा अगस्टा है, इसको पहला प्रोग्रामर बोला जाता है, इन्होंने पहला प्रोग्राम लिखा था, ठीक है। तो इसको पहला प्रोग्रामर बोला जाता है, फर्स्ट प्रोग्रामर। पहला प्रोग्रामर कौन है, तो लेडी एडा अगस्टा। अब प्रोग्राम क्या होता है, देखो प्रोग्राम क्या होता है ना, कि एक तरह का सेट ऑफ, जैसे इसको अभी का आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं, कि एक आप प्रोग्राम अगर लिख रहे हो तो सिंपल क्या है कि एक कोडिंग लिखा रहता है बैकएंड पे, ठीक है, जिसमें कोडिंग में पूरा रूल्स और रेगुलेशंस रहता है। या अगर 5+3 को ऐड कर, 5+3 करना, इक्वल करने पर ऐड 8 आ जाएगा, तो इसका पूरा पीछे कोडिंग किया रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कंप्यूटर में अगर आप प्रोग्राम बना दो, जैसे कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है, आप जैसे 10/2 कर दोगे तो इंटर जैसे करोगे तो ऑटोमेटिक 5 आ जाएगा, मतलब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो उसका पीछे प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है। तो ये एडा अगस्टा जो थी वो पहला प्रोग्रामर थी। चार्ल्स बेबेज ने ही पहला कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट हरमन हॉलरिथ। तो मैं आपको जब पंच कार्ड के बारे में बता रहा था तो वहां पर एक चीज में लिखा भी था हॉलरिथ कार्ड, ठीक है। जब मैं आपको पंच कार्ड के बारे में बता रहा था तो आपको बताया था हॉलरिथ कार्ड, तो हरमन हॉलरिथ ने पंच कार्ड का इन्वेंट किया, ठीक है, मतलब इसका आविष्कार कौन किया है, तो हरमन हॉलरिथ ने। अब इसमें पंच कार्ड के बारे में मैं आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि पंच से इसमें होल बना दिया जाता है, हाथ से या मशीन से, ठीक है। होल, उस होल में डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर दिया जाता था, ठीक है, और कार्ड रीडर के द्वारा उसको रीड, अब जैसे बाय द वे आपने तो स्टोर कर दिया, अब उसको रीड कैसे करना, मतलब उसको पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने के लिए पंच कार्ड, तो कार्ड रीडर होता था, ठीक है। ये कार्ड रीडर के द्वारा हम उस डाटा और इंस्ट्रक्शन जो स्टोर किए थे इस होल में, ये होल बना दिया जाता था कार्ड के अंदर, पेपर का कार्ड होता था, यहाँ पर ये होल बना दिए, इस होल में डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर देते थे, और जो कार्ड रीडर होता था उस होल से, ठीक है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को पढ़ता था, रीड कर लेता था, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब पंच कार्ड का क्या सीन है ना, कि सबसे पहले जो ये पंच कार्ड का यूज होता था वो कहाँ होता था, तो इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता था। जैसे बाद में तो इसका यूज प्रोग्राम बनाने में होने लगा, लेकिन उससे पहले इसका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ा। जैसे आप अभी भी देखोगे कि जब कपड़ा मशीन से बुनता है, ठीक है, तो सुई रहता है, सुई सुई ऐसे चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग पूरा डिजाइन बनते जाता है कपड़ा में। आप देखोगे कि फूल का डिजाइन, कमल का डिजाइन, ठीक है, घर का डिजाइन, हाथी का डिजाइन, तो वो पूरा मशीन का जो जो निडिल चलता है, वो निडिल का पैटर्न पे ही डिजाइन बनता है। तो वही जो निडिल को जो पैटर्न बनता था, जो कपड़ा का कैसे डिजाइन बनेगा, उसी पंच कार्ड का हेल्प से बनता था, उसी के अकॉर्डिंग निडिल कंट्रोल होता था। जो मतलब जो मशीन था ना, कपड़ा मशीन, उसको पंच कार्ड के हेल्प से पुराने जमाने में कंट्रोल किया जाता था, और उसका जो सुई था, ठीक है, और उस तरह से अलग अलग डिजाइन बनाता था कपड़ा का। तो ये पुराना इसका यूज था, बाद में इसी पंच कार्ड को प्रोग्राम बनाने में यूज किया जाने लगा, ठीक है। और आपको बता दे, एनालिटिकल इंजन जो था उसमें पहला प्रोग्राम लिखा गया था पंच कार्ड के हेल्प से, और एनालिटिकल इंजन को ही हम लोग दुनिया का पहला कंप्यूटर बोले, जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और अगर एडा अगस्टा का बात किया जाएगा तो ये पहला प्रोग्रामर थी, मतलब पहला प्रोग्राम किसने लिखा था, तो एडा अगस्टा ने, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैक वन। अब सीन क्या था ना,
कि धीरे धीरे यूएस में जो वर्ल्ड वार टू हो रहा था उसी दौरान क्या है कि वर्ल्ड वार टू में बहुत सारा कंप्यूटर का यूज हो रहा था। अब आप सोचो वर्ल्ड वार टू 1942 का टाइम चल रहा है, भारत अभी भी गुलाम है और यूएस वगैरह में कंप्यूटर पे कंप्यूटर बन रहा है, एडवांस पे एडवांस कंप्यूटर बन रहा है, तो क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में वो आगे होगा और हम अभी भी पीछे हैं। ठीक है, आप इसको समझो। तो वर्ल्ड वार टू के समय एक कंप्यूटर बना था जिसको बोलते हैं मार्क वन, ये भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, अब ये जो है वर्ल्ड वार टू के समय इसका यूज हुआ था। अब इसको बनाया कौन था, तो इसको बनाया था हॉवर्ड एकन। ठीक है, उसका नाम था हॉवर्ड एकन और जो कंपनी बनाया था उस कंपनी का नाम था आईबीएम। आईबीएम एक कंपनी का नाम है। ठीक है, जो व्यक्ति इस पे काम किया था, जो साइंटिस्ट इस पर काम किया था उसका नाम था हॉवर्ड एकन और जो कंपनी इसको बनाया था आईबीएम। ठीक है, वर्ल्ड वार टू में यूज हुआ था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। ये लाइन को आप रट जाओ, ये लाइन को रट जाओ। ठीक है, कि पहला आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ दे कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन है, आंख बंद करके मार्क वन, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन है, आर मार्क वन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को ही शॉर्ट में इलेक्ट्रो बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सिलिकॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जहां पर भी आ जाएगा मतलब सिलिकॉन का यूज हो रहा है, सिलिकॉन मतलब सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा है, सिलिकॉन जर्मेनियम। ठीक है, तो मैं आपको बाद में और भी डिटेल में बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल मतलब जो भी इसका जो पार्ट वर्ड्स था वो मैकेनिकल था। ठीक है, मतलब जो भी हार्ड वर्ड पार्ट वुट होता है उसको मैकेनिक्स बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सिलिकॉन जहां यूज होता है, जो सेमीकंडक्टर यूज होता है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मतलब मार्क वन। इसमें से दो तीन पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्क वन पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन है, तो मार्क वन। मार्क वन को कौन बनाया था, तो हॉवर्ड एकन। ठीक है, हॉवर्ड एकन किस कंपनी ने बनाया था, तो आईबीएम। मार्क वन कौन क्या है, तो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन बनाया था, तो हॉवर्ड एकन व्यक्ति का नाम और किस कंपनी ने बनाया था, तो आईबीएम। ठीक है, तो आशा करता हूं मार्क वन। नेक्स्ट हमारा है एबीसी। ठीक है, एबीसी कंप्यूटर, एबीसी कंप्यूटर। ठीक है, ये भी कंप्यूटर वर्ल्ड वार टू के टाइम का ही है, यूएस में ही बना था। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, इसका नाम याद रखना, ए ए से एटानासोफ, बी से बेरी, सी से कंप्यूटर। तो दो व्यक्तियों का इसमें सहयोग था, एटानासोफ बेरी का, एटानासोफ और बेरी, ये दोनों मिलकर ये कंप्यूटर बनाया था, एबीसी कंप्यूटर। ठीक है, ये पहला कंप्यूटर था जिसने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होता क्या है, ठीक है, अब होता क्या है कि इस तरह से एक ट्यूब होता है और ये दोनों के बीच में हवा नहीं रहता, यहां पर हवा नहीं रहता। ठीक है, पूरा वैक्यूम रहता है, वैक्यूम का मतलब हुआ निर्यात, कोई हवा नहीं रहता है। ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब, देखिए ये वैक्यूम ट्यूब क्या है, तो उस समय का टेक्नोलॉजी है, जिस समय जब वैक्यूम ट्यूब बनता था, ठीक है, स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, जहां पर डाटा को स्टोर किया जाता था, ये बहुत बड़ा बड़ा होता था, एकदम इतना बड़ा बड़ा। तो उस समय जो कंप्यूटर बनता था ना, एक एक कंप्यूटर एक एक रूम इतना बड़ा बनता था। ठीक है, ये सब जितना भी कंप्यूटर मैं आपको बता रहा हूँ, एबीसी कंप्यूटर, ठीक है, या उससे पहले जो कंप्यूटर बताया मार्क वन, ये सब इतना छोटा छोटा नहीं था, ये सब दो दो रूम बड़ा बड़ा हॉल इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर था। ठीक है, क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हो रहा था। तो बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि एबीसी कंप्यूटर पहला कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ। उसके बाद और भी बहुत सारे कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, लेकिन एबीसी पहला कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ। ठीक है, और इसको बनाया था किसने, एटानासोफ बेरी कंप्यूटर। अब एक बात मैं आपको और भी बता दूं, आप ये बुक, जैसे ये वाली बुक आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि हिंदी में लिखा हुआ है, उसी के बगल में उसका इंग्लिश भी लिखा हुआ है, जैसे एबीसी तो हिंदी में भी लिखा है एबीसी कंप्यूटर। ठीक है, जैसे आप मार्क वन तो हिंदी में भी लिखा है मार्क वन। ठीक है, मैं जो भी लिख रहा हूं ये टोटल चीज हिंदी में लिखा हुआ, जैसे यही चीज लिखा हुआ है एटानासोफ बेरी कंप्यूटर, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ एटानासोफ बेरी कंप्यूटर ऐसे।
ठीक है। तो इसलिए आप इंग्लिश हिंदी के चक्कर में ना पढ़ो, ये आपको बुक में हिंदी लिखा हुआ, मैं इसको बायलिंगुअल करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए ये दोनों के लिए है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है या जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। चलो एबीसी कंप्यूटर हो गया, नेक्स्ट हमारा है एनियाक, यहां से स्टार्ट हो जाता है वीवीआई एनियाक। अब नेक्स्ट हमारा है इनियक, ठीक है। तो यहां से ये तीन पॉइंट एग्जाम में पूछा है। तो इनियक जो कंप्यूटर है, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इनियक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। मैं पहले बोल रहा हूं कि आप अगर हिंदी में हो आपका कंप्यूटर, तो आप परीक्षा मंथन की किताब खरीद लो, ठीक है, ये वाली बुक खरीद लो। आप देखोगे कि जो भी मैं बता रहा हूं सब का सब सेम टू सेम वही हिंदी में लिखा हुआ है। जैसे ठीक है, एलकट एकट मॉकली, ये दोनों को हिंदी में लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक को लिखा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, देश में, तो पूरा का पूरा हिंदी में वहां पे लिखा हो इसी चीज को, सेम टू सेम चीज, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिख दिया और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो आविष्कार हुआ, जितना भी लैंग्वेज बना सब आप देख रहे हो यूएस में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, इधर कुछ हुआ ही नहीं है। तो हम लोग बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो भैया जब सब कुछ इंग्लिश में ही टर्म उसका बना है, आप उसका हिंदी जबरदस्ती कैसे कर दोगे, ठीक है। अगर सब कुछ इंग्लिश में ही बना है टोटल चीज, उसमें जो जो लैंग्वेज का यूज हुआ सब कुछ इंग्लिश में ही है, तो आप जबरदस्ती हिंदी में नहीं कर सकते। जैसे कीबोर्ड, तो आप कीबोर्ड को कीबोर्ड ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल जलेबी, जलेबी इंडियन वर्ड है, तो उसको इंग्लिश में भी जलेबी ही बोला जाएगा, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे जलेबी, इंग्लिश में लिखेंगे जे ए एल ई बी आई, ठीक है, जंगल। इस तरह कुछ कुछ ऐसा वर्ड, जैसे समोसा, इंग्लैंड में भी लोग समोसा ही बोलेगा, ऐसा नहीं कि समोसा के लिए कुछ नया वर्ड निकाल के ले आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो जो वर्ड जो इंग्लिश में ही फॉर्मेट हुआ है, जो इंग्लिश में ही बना है, उसका जबरदस्ती हिंदी नहीं हो सकता है। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, कंप्यूटर, डिजिटल, ठीक है, एनालॉग डिजिटल, इसका हिंदी पॉसिबल ही नहीं है। तो आप हिंदी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे, नहीं मिलेगा। इसको डिजिटल को हिंदी में डिजिटल कर देगा, एनालॉग को एनालॉग ऐसा कर देगा, तो क्या मतलब है? तो इसीलिए आप इंग्लिश हिंदी में परेशान मत हो, आपको संतुष्टि नहीं है, आप किताब खरीद लो, ठीक है। सबसे पहला इनियक जो मेरा है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये भी वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का यूज किया था, ठीक है। वॉल्व भी छोटा छोटा वॉल्व होता है, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का यूज किया था। वैक्यूम ट्यूब अभी हमने बताया, वॉल्व भी छोटा छोटा होता है, ठीक है, छोटा छोटा वॉल्व भी होता है। वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का यूज कौन किया था? इनियक में भी वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का यूज किया गया था, ठीक है। कोई भी डाटा को स्टोर वगैरह करने के लिए वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व का यूज किया गया था। दूसरा, इसको बनाया कौन था? तो एकर्ट और मॉचली, ठीक है, कौन बनाया था? एकर्ट और मॉचली, ठीक है, एकर्ट और मॉचली। अब इसी को, इनियक को ही पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते हैं या पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, कुछ भी ऑप्शन में रहे, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछे तो भी इनियक, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछे तो भी इनियक, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनियक में, ठीक है, डाटा स्टोर करने के लिए किस चीज का यूज किया गया था निम्न में से? तो वाल्व का यूज किया गया था। इनियक को किसने बनाया था? तो एकर्ट एंड मॉचली, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? इनियक। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो इनियक। अब इसमें मैं आपको दो एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहा हूं कि इनियक में डेसिमल नंबर सिस्टम यूज हुआ था। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब 0 से 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब जो पूरा होता है ना, उसी को डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो यही यूज हुआ था इसमें, और ये भी वर्ल्ड वार टू के समय ही ये बनाया जा रहा था, ठीक है। यूएस में, अमेरिका में ये भी बन रहा था, वर्ल्ड वार टू के समय यूज करने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन इत्तेफाक से ये लेट से बना, वर्ल्ड वार टू के बाद बना। स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वार टू के लिए ही, इसको बनाना स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वार टू में यूज करने के लिए, लेकिन ये बाद में बना। तो ये था मेरा इनियक का कहानी, आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट कंप्यूटर है मेरा इडवैक, ठीक है। तो इडवैक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब ये भी यूएस में ही बना है, ठीक है, और ये जो कंप्यूटर था इसमें पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक है, स्टोर्ड जो प्रोग्राम है
वो इसमें डाला गया था, मतलब पहले से प्रोग्राम इसमें डाल दिया गया था। किसमें? ये जो स्टोर्ड प्रोग्राम था ये बाइनरी में लिखा हुआ था। अब यहाँ पर एक चीज, बाइनरी क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे जैसे कंप्यूटर जो होता है ना, तो कंप्यूटर में होता है मशीन लैंग्वेज, ये आप समझ लो। अब मशीन लैंग्वेज को हिंदी में मत पूछना, हिंदी में भी मशीना लैंग्वेज लिख देगा, लैंग्वेज को भाषा नहीं लिखे, मशीन भाषा लिख देगा बस, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्टोर्ड को जबरदस्ती हिंदी संग्रहित कर दिया, तो इस तरह जहां जहां जबरदस्ती हिंदी को मैं लिख दूंगा, अदरवाइज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में होता क्या है, ये कंप्यूटर आपका भाषा नहीं समझता है। व्हाट इज योर नेम, मेरा नाम रमेश है, ठीक है, या फिर अमार नाम रमेश, तो कुछ भी भाषा कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर बस दो चीज को समझता है, क्या? जीरो को और वन को। अब जीरो वन को भी समझता है किस फॉर्म में है, डॉट के फॉर्म में समझता है, ठीक है। मतलब अगर डॉट है तो वन और डॉट नहीं है तो जीरो, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप समझो, ओएमआर सीट देखे हो, ओएमआर सीट, ओएमआर सीट जो है वो क्या करता है, आप यहां पर अपना नाम लिख दिए, जैसे आपका नाम है बाय द वे कि रमेश, तो कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा है कि भाई रमेश कौन है। आप यहां पर अपने हिसाब से ऐसे ओएमआर सीट में ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे आपका रोल नंबर है कुछ भी 1 2 3 4 5, तो रोल नंबर के हिसाब से ओएमआर सीट में ऐसे करके किए, तो जहां पर वन है उसको रीड कर लेगा, इसको रीड कर लेगा। तो कंप्यूटर भी जो होता है ना वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मतलब वो सिर्फ जीरो और वन को समझता है। अगर डॉट है तो उसको वन समझ लेगा, और डॉट नहीं है तो जीरो समझ लेगा, ठीक है। तो बस वो कुछ भी है, जैसे बाय द वे कि आपको लिखना है 1 लाख, तो 1 लाख को बाइनरी में कन्वर्ट होता है। कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है कि कन्वर्ट कर लेता है उसको अपने बाइनरी में, ठीक है, फिर उसको समझता है। जैसे बाय द वे आपने लिखा कि अपने प्रोग्राम में लिखा व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो कंप्यूटर सबसे पहले क्या करेगा, जैसे किया, ठीक है, तो एक होता है कंपाइलर, तो कंपाइलर क्या करता है कि तुरंत उस चीज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, 0100001111 ऐसे तक कर देगा, 0001112 0001100001111 इस तरह से कर देगा। तो इसका मतलब हो जाएगा व्हाट इज योर नेम, तो कंप्यूटर समझ जाएगा। अब कंप्यूटर आंसर दे देगा, जैसे आप गूगल में टाइप करते हो कि वेयर इज इंडिया, वेयर इज झारखंड, तुरंत आंसर आ जाता है। अब कंप्यूटर क्या करेगा कि फिर उसका आंसर जो भी है वो दे देगा, किसमें देगा, 0001110001111000001111 ऐसे, तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो फिर कंपाइलर क्या करेगा कि उस जो मशीन लैंग्वेज था उसको कन्वर्ट कर देगा आपका लैंग्वेज में, लिख देगा कि योर नेम इज रमेश। समझ में आया पूरा कंसेप्ट, समझ में आ रहा है? तो कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0101, बाकी वो कुछ भी नहीं समझता है। बीच में जो कंपाइलर होता है, ठीक है, वो इधर उधर करते जाता है। तो सबसे पहली बार जब इडवेक आया तो इसमें प्रोग्राम लिखा गया था वो बाइनरी में लिखा गया था, और आज तक कंप्यूटर बाइनरी पे ही चल रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि स्टोर्ड प्रोग्राम सबसे पहले बार कौन लाया था, तो उसका नाम है वैन न्यूमैन। ये आप याद कर लो, वैन न्यूमैन जो है वो पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट लाया था। संग्रहित प्रोग्राम का कंसेप्ट कौन लाया था, तो वैन न्यूमैन। तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इडवैक, इडवैक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है यूनिवैक, नेक्स्ट हमारा यूनिवैक, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक, सी से कंप्यूटर। ये भी कहां बना है, तो यूएस में, अमेरिका में ये भी बना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका आखिर इतना डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कब से कर रहा है काम, इस पे 100 साल पहले से काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको भी बनाया कौन था, तो एकर्ट और मॉचली बनाया था, ठीक है। और कौन कंपनी बनाया था, तो GEC, कंपनी का नाम पूछेगा तो आपको बता देना है GEC, जनरल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, GEC, जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन एक कंपनी है जो इसको बनाया था। और ये पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा, ये वाला पॉइंट एग्जाम में पूछा, एक ही पॉइंट पूछा है कि ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, मतलब
पहली ऐसा कंप्यूटर बना वो बेचने के लिए बना, व्यापार करने के लिए बना। ये जो एकर्ट और मॉचली है इसका डिजाइन कर दिया था, पूरा बनाया था। जी इसी कंपनी में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, मास प्रोडक्शन हुआ, मतलब लाखों में कंप्यूटर बना और पहली बार मार्केट में आया बिकने के लिए। तो आपसे पूछेगा पहली बार कमर्शियल कंप्यूटर कौन था, मार्केट में बिकने के लिए पहला कंप्यूटर कौन आया था, व्यापारी कंप्यूटर कौन था, तो यूनिवैक। याद कर लेना, यूनिवैक पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। यह भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ही था, ठीक है। अभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ही चल रहा है और यह भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ही था। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया जो सेमीकंडक्टर पर जो काम कर रहा हो, ठीक है। सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन जर्मेनियम पर काम कर रहा हो। आगे बताएंगे क्या है। और डिजिटल, डिजिटल मतलब 0101 को ही डिजिटल बोला जाता है, ठीक है। सिग्नल दो तरह का होता है, डिजिटल होता है, एनालॉग होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा, बस आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर था यूनिवैक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। मैं देखता हूँ माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट है मेरा माइक्रो प्रोसेसर। अब मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पहले बताता हूँ। देखो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है ना, जैसे कंप्यूटर आप लैपटॉप खरीदने जाओगे तो आप बोलते हो कि मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। कॉन्फ़िगरेशन में वो बताएगा कि रैम कितना है, रोम कितना है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सा यूज हुआ है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था 2014 में, उस समय कोटू डुअल चलता था, ठीक है। उसके पहले इंटेल चलता था, कोटू डुअल चलता था, उसके कोटू डुअल से पहले पेंटियम चलता था। तो सबसे पुराना जो मेरा कंप्यूटर था वो पेंटियम का था। बाद में मैं कंप्यूटर लिया था इंजीनियरिंग के समय तो कोटू डुअल आ गया था, ठीक है। और जब लास्ट 2014 के टाइम जब मैं लास्ट सेमेस्टर में था तब i3 स्टार्ट हुआ था, ठीक है। i3, i5, i7, ठीक है। अब ये प्रोसेसर चल रहा था। तो ये प्रोसेसर होता, प्रोसेसर होता क्या है, पहले प्रोसेसर जो काम करता था उस काम को करवाने के लिए बड़ा बड़ा वाल्व, बड़ा बड़ा वैक्यूम ट्यूब का जरूरत पड़ता था। इस कारण क्या होता था ना कि अब छोटा सा प्रोसेसर के लिए पूरा एक इतना बड़ा बड़ा वैक्यूम ट्यूब, तो एक कंप्यूटर बनाने में पूरा का पूरा एक हॉल इतना बड़ा कंप्यूटर बनता था। बाद में 1971 में क्या हुआ, एक क्रांति आ गया। क्रांति क्या आया, इतना छोटा सा चिप सेमीकंडक्टर के कारण, ठीक है, सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम के कारण इतना छोटा चिप में माइक्रो प्रोसेसर को बना दिया गया, ठीक है। कौन बनाया, तो इंटेल कंपनी बनाया। अब जो इतना छोटा चिप में बना दिया गया माइक्रो प्रोसेसर को और उसी के अंदर सीपीयू रख दिया गया, जो कंप्यूटर का जिसको पूरा ब्रेन बोलते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का पूरा हार्ट बोलते हैं, उसको इतना छोटा चिप में रख दिया। आप सोचो कि अब इतना बड़ा जो था वैक्यूम ट्यूब वाला या वाल्व वाला, उसको इतना छोटा कर दिया, तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर का साइज जो पहले एक रूम का था अब घट के इतना छोटा हो गया, ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर का 1971 में क्या हुआ, एक क्रांति आया। माइक्रो प्रोसेसर ही है जो कंप्यूटर का जितना भी है ना हार्ट, इसको बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। कुछ भी होता है इनपुट से आउटपुट सब माइक्रो प्रोसेसर का जो सीपीयू रहता है वही करता है। सीपीयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल जितना काम है सब वही करता है कंप्यूटर का। आपको शॉर्ट भाषा में मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो 1971 में इंटेल कंपनी क्या क्या कि जबरदस्त क्रांति लेके आ गया और जो पहले प्रोसेसर जो, ठीक है, एकदम छोटा छोटा चिप के आकार में माइक्रो प्रोसेसर ले आया। पहले जो माइक्रो प्रोसेसर का काम था, माइक्रो प्रोसेसर पहली बार बना, उसके पहले जो काम था माइक्रो प्रोसेसर का उस वो किया जाता था वैक्यूम ट्यूब वाल्व के द्वारा जो बहुत बड़ा बड़ा होता था। लेकिन अब जैसे आप देखोगे कि पहले आप जैसे अभी आप HD कार्ड वगैरह होता है ना, आप 2 GB का HD कार्ड होता है, ठीक है। तो पहले आप छोटा सा MB मतलब एक गाना को स्टोर करना है तो उसको स्टोर करने के लिए जो कार्ड आता था वो एक रूम इतना बड़ा कार्ड आता था, उसमें मात्र एक गाना स्टोर होता था। अब के डेट में क्या है, छोटा छोटा हो गया, इतना छोटा में आप एक गाना क्या 50 फिल्म स्टोर कर सकते हो। तो छोटा होते गया, ठीक है। छोटा क्यों हुआ, सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है उसके कारण छोटा हुआ। तो 1971 में माइक्रो प्रोसेसर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, इंटेल कंपनी इसके द्वारा, ठीक है। इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004, ठीक है। ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। ये 4 बिट क्या है, ये मेमोरी शो करा, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है, इसे इंटेल कंपनी में बनाया 1971 में।
जैसे कुछ माइक्रो प्रोसेसर का अगर नाम आपको बता दूं तो इंटेल हो गया, कोर टू डुअल हो गया, i3, i5, i7, पेंटियम हो गया, सेलेरॉन हो गया, AMD हो गया, ये पूछ सकता है निम्न में से कौन माइक्रो प्रोसेसर का एग्जांपल है, सेलेरॉन, AMD, पेंटियम, कोर टू डुअल, i3, i5, i7, ये सब माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। उसके बाद पहली बार जो है ना कंप्यूटर का चौथा जनरेशन में, ठीक है, मतलब कंप्यूटर का अभी 5 जनरेशन हुआ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बनने का स्टेज। तो जब कंप्यूटर अपना चौथा जनरेशन में बन रहा था उसी समय पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, यही कारण है कि उसके बाद से कंप्यूटर छोटा होने लगा, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर होता क्या, इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इंटीग्रेटेड सर्किट, अब आपको लगेगा कि यार इतना छोटा चिप में होता क्या है, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो इसको ये सब मैं प्रैक्टिकल किया हूं, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ना उसका प्रैक्टिकल किया हूं। इसमें क्या होता है ना कि इतना छोटा रहता है, ठीक है, आप कभी मोबाइल खोलते हुए देखना उसमें भी पूरा सेमीकंडक्टर का वही इंटीग्रेटेड सर्किट ही रहता है, या कभी आप LED बल्ब जो आजकल आ रहा है उसका भी खोलेगा तो उसका सर्किट देखना, ऐसा सर्किट रहेगा, ठीक है, और यहाँ 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 ऐसे करके इस तरह करके कुछ ऐसे करके पैटर्न डिजाइन ऐसे ऐसा बना रहेगा और यहाँ पर सेमीकंडक्टर से चिपकाया हुआ रहेगा और इसी पर पूरा प्रोग्राम चलता है, तो यही होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होता है। तो ये क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर चिप था, ठीक है, एक छोटा सा चिप था जिसमें पूरा का पूरा CPU को उसी चिप में डाल दिया गया था इस माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर में हमने देखा, अब माइक्रो प्रोसेसर में आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा है कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कब बना, तो कब बना है मेरा सॉरी कौन बनाया था, तो इंटेल ने बनाया था, ठीक है। फिर पूछा है कि पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का यूज कब हुआ था, तो फोर्थ जनरेशन, ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और ये माइक्रो प्रोसेसर होता है क्या, एक छोटा सा चिप होता है, चिप के अंदर पूरा का पूरा CPU डाल दिया जाता है, ये चिप कैसा चिप होता है, तो IC चिप होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। छोटा सा नहीं दिखते, आप मोबाइल में भी चिप डालते हो मेमोरी के लिए, एक्स्ट्रा मेमोरी के लिए चिप डालते हो, तो उसी तरह का चिप होता है, ठीक है, जिसमें ये पूरा सेमीकंडक्टर का बना होता है जिसमें पूरा का पूरा CPU रहता है, इसी को हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि पूरा फंक्शन जो होता है वो इसी पर डिपेंड करता है। आपका माइक्रो प्रोसेसर खराब हो जाएगा तो 5-6 हजार रुपए का गच्चा लग जाएगा, ठीक है, आपको नया खरीदना पड़ जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जैसे आपका माइक्रो प्रोसेसर जितना महंगा होगा कंप्यूटर उतना माइक्रो प्रोसेसर बढ़िया होगा। अभी आप जैसे i7 का खरीदोगे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का, तो आपको 60,000, 70,000, 80,000 रेट बढ़ जाएगा। वही माइक्रो प्रोसेसर i3 खरीदोगे तो 40,000 तक हो जाएगा, ठीक है, तो रेट आगे पीछे होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, Apple II। ठीक है, इसको Apple II क्या है, कंप्यूटर था, होम कंप्यूटर बोलते हैं या माइक्रो कंप्यूटर भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये पर्सनल यूज मतलब किसी व्यक्ति का अपना यूज करने के लिए पहली बार एप्पल के द्वारा बनाया गया था Apple II। ये Apple II जो है वो पहली बार एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया था, स्टीव जॉब्स इसका फाउंडर है एप्पल कंपनी का, ठीक है, तो एप्पल कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था जनरल यूज करने के लिए, ठीक है। इसमें जो भी यूजर था, जो भी इसको यूज करता है, वो अपना प्रोग्राम खुद से लिख सकता था। आज के जितना बड़ा मॉनिटर है उतना बड़ा उस समय भी मॉनिटर था, कीबोर्ड था, ठीक है, बस आपको थोड़ा हल्का फुल्का याद रखना है ये Apple II क्या है। तो ये सिंपली एक कंप्यूटर था, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर मतलब जनरल आदमी को यूज करने के लिए एप्पल के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर था। तो ये चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट करना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए फिर इसको हम दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, थैंक यू।